स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज से अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बुद्ध की शिक्षा। और शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमने भारत की खोज से संबंधित अन्य पाठों की व्याख्या और प्रश्नोत्तर अपने YouTube चैनल में अपलोड किए हैं। आप उन सभी वीडियोज़ को हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो देखते हैं बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की बुद्धियों में डूबे रहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। बुद्ध का ज्ञान नया और मौलिक उन लोगों के लिए था जो हमेशा ब्रह्मा की खोज करते हैं, ईश्वर की खोज करते हैं और उसकी बुद्धियों में डूबे रहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे सभी देशों में जाएं और बौद्ध धर्म का प्रचार करें। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। युद्ध में भले ही कोई हजार आदमियों पर विजय पा ले, पर जो अपने पर विजय पाता है सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। तो बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया और सच्चा विजेता उसी को माना है जो अपने आप पर विजय प्राप्त करता है। और मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से तय होती है, ये बौद्ध धर्म का विचार है। यहाँ सारनाथ का स्तूप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ बुद्ध ने सबसे पहले अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। उन्होंने यह उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ईश्वर या परलोक का हवाला देकर दिया। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। उन्होंने अपने उपदेश विवेक के माध्यम से दिए और तर्क वितर्क के आधार पर दिए और लोगों को उन्होंने यही उपदेश दिया कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। ईश्वर या परब्रह्मा का अस्तित्व है या नहीं उन्होंने नहीं बताया। ईश्वर के बारे में बुद्ध ने कोई जानकारी नहीं दी कि ईश्वर है या नहीं। वे न उसे स्वीकार करते हैं और न इनकार करते हैं। जहाँ जानकारी संभव नहीं है वहाँ हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। जो बुद्ध की पद्धति है वह मनोविश्लेषण से संबंधित थी और ये सारी जानकारियां हैरत में डालने वाली हैं कि जो आधुनिक विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। बुद्ध ने जिन चार आर्य सत्यों का निरूपण किया है उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से है। बौद्ध धर्म ने सबसे अधिक दुख पर बल दिया है और उसके लिए उन्होंने चार आर्य सत्य दिए हैं जिनका संबंध दुख का कारण से है, दुख के अंत की संभावना से है और उसके समाप्ति के उपाय से है। दुख की इस स्थिति के अंत से निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण का मतलब मुक्ति। व्यक्ति को इस संसार से मुक्ति निर्वाण कहलाती है। बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध का मार्ग मध्य मार्ग का था। यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है।
बुद्ध ने मध्य मार्ग को अपनाने की बात कही है, यानी बीच का रास्ता अपनाना, ना तो अधिक भोग करना और न ही अधिक तप करना। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। बुद्ध ने अपने कष्टों और अनुभव के आधार पर कहा है कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति को खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। यह मध्य मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद, ये सभी अष्टांग मार्ग के बुद्ध या बौद्ध धर्म के उपदेश हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां हैं उनके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। यहाँ पता चलता है आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, या बुद्ध के शिष्य का नाम आनंद था और एक बार बुद्ध ने पत्तियों को हाथ में लेकर आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां हैं उसके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। तो आनंद ने उत्तर दिया कि पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हजार और सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। बुद्ध कथा। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। बुद्ध से संबंधित भारत में अनेक तरह की मूर्तियां हैं जिन्हें लोगों ने पत्थर, संगमरमर या कांसे पर ढालकर आकार दिया है, जो कि भारतीयों के विचार की समग्र आत्मा की या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर वे इतनी दूर पहुँच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो। यहाँ बुद्ध की बात की जा रही है कि वे बड़े शांत थे, धीर थे और वासनाओं और लालसाओं से परे थे और संसार के तूफानों और संघर्षों से वे बहुत दूर थे और ऐसा लगता है कि उन्हें पाना आसान नहीं है, लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। नेहरू जी बुद्ध के बारे में लिख रहे हैं कि जब बुद्ध को दोबारा हम देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। युग पर युग बीतते जाते हैं पर बुद्ध हमसे बहुत दूर नहीं मालूम होते। उनकी वाणी हमारे कान में धीमे स्वर से कहती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए। जो बुद्ध के उपदेश हैं उनकी वाणी जैसे हमारे कानों में गूंजती है और यह कहती है कि मनुष्य को संघर्ष से भागना नहीं चाहिए बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए और जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी
जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। तो बुद्ध के बारे में नेहरू जी यहाँ मान रहे हैं कि वे अपने आप में जीती जागती और थर थराहट पैदा करने वाली अनुभूति है जब हम बुद्ध के बारे में सोचते हैं। और उस राष्ट्र के पास निश्चित रूप से कोई एक संचित निधि होगी जो इतने बड़े आदर्श को जन्म देती है। ये भारत भूमि हमेशा ही बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म देती है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, कितने ही ऐसे महान आत्माएं हैं जो भारत भूमि में जन्म लेते हुए आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।